अपनी पर्सनालिटी और माहीन की पर्सनालिटी में, माहीन की पर्सनालिटी वो है जो कि मैं दूसरों के सामने हूँ, दुनिया के सामने हूँ, और जो मेरी असली पर्सनालिटी है जो कि माहीन की एट द एंड ऑफ द डे निकल आती है वो मैं मानी के साथ हूँ। और ऐसे ही होता है कि जब आप आपकी शादी होती है तो सब बड़ा डिफरेंट होता है, एक लिहाज में होते हैं, एक अदब में होते हैं, लेकिन आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, गुस्सा होता है, चीखे भी मारते हैं आप, वक्त का मजाक अच्छा भी नहीं लगता। ओके फाइन, बच्ची को लेके अंदर जाओ। शादी के बाद की जो सिचुएशंस है ना वो एक चार या पांच एपिसोड में आपको नजर आएगी, और ये हर कपल की कहानी है। उनके अगर दो साल बाद बच्चा हो तो वो दो साल बाद ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपको काफी चेंज करते हैं, आपके अंदर से एक शदीद माँ और बाप वाला एलिमेंट निकाल देते हैं। ये जो एक स्टोरी थी चूज़ करने का रीज़न ये था कि बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया था तो मैंने कहा कुछ नया करने को मिला है, तो ऑब्वियसली जो क्रिएटिविटी होती है एक इंसान के अंदर, जो जो इंसान चाहता है कि वो न्यू से न्यू कुछ ट्राई करे, तो वो इस स्क्रिप्ट में मुझे नज़र आया। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने जो है ये करेक्टर भी सिलेक्ट किया और मैं आज इनके साथ काम कर रही हूँ। सबसे अच्छा मोमेंट है आम सुबह सुबह आता है, शाम तक बैठता है, फिर हमारा सीन होता है। मेरी लाइन है, आपकी लाइन है, और मेरी